नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू अपडेट लेकर आया हूं जो कि आपकी कॉलेज परीक्षाओं को लेकर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MGSU यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो MGSU यूनिवर्सिटी है वो मतलब कि 26 जुलाई से जो COVID-19 की जो स्पेशल एग्जाम है वो स्टार्ट कर रही है। इसी के साथ दोस्तों वो 10 अगस्त को जो एग्जाम है वो कम्प्लीट करेंगे। तो इससे एक साफ क्लियर हो रहा है दोस्तों जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं, जो इस ईयर की जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें कम से कम एक महीना तो लगने वाला है, लेकिन एक महीना तो लगने वाला है दोस्तों। इसी के साथ आपको जैसे UGC गाइडलाइंस में पता लगा होगा कि 31 अगस्त तक सभी यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम कंप्लीट करा ले, क्योंकि ये UGC का फैसला था। तो ऐसा कैसे हो पाएगा दोस्तों, जैसे 10 अगस्त के बाद यानी ओनली जैसे 20 दिन में कैसे अपने एग्जाम करवा पाएगी MGSU यूनिवर्सिटी। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए अपडेट के बारे में जानते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों असमंजस, बीकानेर यूनिवर्सिटी में अभी 2020 की ही कोविड विशेष परीक्षाएं शेष, जो 26 जुलाई से शुरू होगी 10 अगस्त को खत्म होगी। और यहां पर देख सकते हो दोस्तों 30 सितंबर तक स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षा कराने के थे आदेश, अब UGC ने 31 अगस्त तक करवाने के लिए कहा। तो दोस्तों मतलब कि एक तरह से ये असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है जो भी बीकानेर यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र हैं और सभी यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनके लिए, क्योंकि पहले तो बोल दिए 30 सितंबर तक लास्ट एग्जाम करवा सकते हो कंप्लीट, अब बोल रहे हैं कि 31 अगस्त तक एग्जाम कंप्लीट करवा सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको न्यूज की पुष्टि करा देता हूं। ऊपर देख सकते हो ये दैनिक भास्कर का न्यूज पेपर है, श्री गंगानगर भास्कर 20 जुलाई 2021, यानी कि ये आज ही का ई पेपर है। तो दोस्तों इसी के साथ आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो आज मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आज के इस अपडेट में। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों श्री गंगानगर विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। एक महीने में राजस्थान सरकार जिस बात के लिए UGC को पत्र लिख रही थी उस पर UGC ने अभी स्थिति स्पष्ट कर दी है। लेकिन दोस्तों जैसे कि राजस्थान सरकार ने एक महीने से के प्रयास के बाद जैसे UGC ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है, लेकिन फिर भी वो जो गाइडलाइंस जारी की है वो एक तरह से असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है, वो भी बीकानेर के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए। उसका रीजन मैं आपको फर्स्ट में बता दिया है। दरअसल विश्वविद्यालय में परीक्षा कराने, प्रवेश करने आदि को लेकर उच्च शिक्षा मंत्रालय ने जो कमेटी गठित की थी उसकी सिफारिश आने के बाद ही राजस्थान सरकार UGC से भी अपनी गाइडलाइंस जारी करने की मांग कर रही थी, ताकि जब राजस्थान सरकार राजस्थान अपनी परीक्षाओं की तिथि घोषित करे तो उसमें UGC अड़ंगा ना लगाए। बार बार गाइडलाइंस के बारे में पूछने के बाद भी जब UGC ने स्थिति स्पष्ट नहीं की तो सरकार ने 30 सितंबर तक प्रत्येक VV में स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षा कराने तथा स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रोन्नत करने के आदेश दिए थे। जब दोस्तों UGC ने अपनी गाइडलाइंस जारी नहीं की थी तो सभी जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उन्होंने कन्फर्म किया था कि हम 30 सितंबर तक सभी एग्जाम जो भी PG UG के जो फाइनल ईयर के एग्जाम है वो कंप्लीट करवा लेंगे। लेकिन जब UGC ने अपनी गाइडलाइंस जारी की तो उसने अपनी गाइडलाइंस में बताया कि 31 अगस्त तक सभी विश्वविद्यालय अपनी जो परीक्षाएं हैं फाइनल ईयर की वो कंप्लीट करा ले। तो ये कैसे होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो अब UGC ने नए सिरे से गाइडलाइंस जारी किए, इसमें 31 अगस्त तक परीक्षाएं पूरी कराने के लिए कहा गया है। राजस्थान सरकार ने पहले ही अगस्त के प्रथम सप्ताह में परीक्षा शुरू करवाकर सितंबर तक परिणाम भी घोषित करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन सरकार के आदेश के बाद विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं को लेकर चाल धीमी है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी यहाँ पर देख सकते हो में अभी 2020 की ही कोविड विशेष परीक्षाएं शेष है जो 26 जुलाई से शुरू होंगी। इसी के साथ दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के निर्देश है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय 30 सितंबर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करे। इसमें UG एडमिशन प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक CBSE, ICSE और राज्य बोर्ड के की ओर से 12वीं के परिणाम जारी होने के बाद शुरू होगी। माना जा रहा है कि जुलाई के अंत तक ये तीनों ही बोर्ड 12वीं के परिणाम घोषित करेंगे, उसके बाद ही प्रवेश शुरू होंगे। UGC ने 1 अक्टूबर से नया सेशन शुरू करने के लिए सलाह दी। खाली सीटों को भरने के लिए 31 अक्टूबर अंतिम तिथि तय है, साथ ही में नए सेशन के डॉक्यूमेंट्स 31 दिसंबर तक जमा हो सकते हैं। UGC ने कहा कि 31 अक्टूबर तक एडमिशन वापस लेने के लिए कोई कैंसिलेशन चार्ज छात्र से नहीं वसूला जाएगा। अगर बाई चांस छात्र अपना एडमिशन वापस लेना चाहता है किसी यूनिवर्सिटी से तो उससे कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं वसूला जाएगा। VV प्रोसेसिंग फीस की यहाँ पर देख सकते हो कम से
नाम पर सिर्फ 1000 रुपये ही काट सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आज का इस अपडेट का जो निष्कर्ष निकलता है वो एक तरह से यही निकलता है दोस्तों, जैसे UGC ने बताया था कि 31 अगस्त से आपकी जो परीक्षाएं हैं इससे पहले पहले कंप्लीट करा ली जाएगी, लेकिन बीकानेर यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जैसे जो COVID-19 स्पेशल की जो परीक्षाएँ हैं वो ही 26 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक खत्म होने वाली है, तो 20 दिन में कैसे टाइम टेबल जारी किया जाएगा और कैसे 20 दिन में उनकी जो फाइनल ईयर की जो UG और PG के जो स्टूडेंट हैं उनकी फाइनल ईयर परीक्षाएं कैसे कंप्लीट कराई जाएगी। तो ये एक तरह का असमंजस बन रहा है सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में, क्योंकि ये चाहे फिर UG के स्टूडेंट हो चाहे PG के स्टूडेंट हो, उनके मन में मतलब कि एक तरह से असमंजस बन रहा है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ऐसी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में कुछ ऐसा नया कंटेंट लेकर, तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।